नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपके सामने आई हूँ एक नई कविता लेके जो आपकी रेनबो पुस्तक में दी गई है। कविता से पहले कवि के बारे में बात करते हैं। आज के लेसन के कवि हैं डीएच लॉरेंस और आज की कविता है द स्नेक। डीएच लॉरेंस का पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, लेकिन बचपन से ही उन्हें इस नाम से पुकारा जाना एकदम पसंद नहीं था। डीएच लॉरेंस स्कूल में बर्ट लॉरेंस के नाम से पुकारे जाते थे और इनके सहपाठी इन पर खूब तानाकशी करते थे, क्योंकि अपने बड़े भाई के मुकाबले बर्ट लॉरेंस बड़े साधारण डब्बू किस्म के छात्र थे। बड़े भाई अर्नेस्ट डील डॉल कदकाठी वाले अव्वल दर्जे के तैराक थे और पढ़ाई में भी A1 विद्यार्थी थे। जाहिर है कि अर्नेस्ट माँ की आंखों का तारा भी थे, और हमारे कवि डीएच लॉरेंस की खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी, पढ़ाई में भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आगे चलकर माँ के निरंतर प्रोत्साहन की वजह से वे बहुत कुशल विद्यार्थी बन गए। मन में बिठा लीजिए ये व्यक्तित्व, एक लजीला शर्मीला लड़का, माँ से जुड़ा हुआ, पिता से थोड़ा सहमा हुआ और अपनी उम्र के लड़कों से अलग रहने वाला। ये थी डीएच लॉरेंस की किशोरावस्था। उनके व्यक्तित्व के अलावा हमारे कवि का जन्म स्थान उनकी कविताओं को समझने के लिए हमारे लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि उनके बचपन के परिवेश ने उनके लेखन को एक अनूठी पहचान दी। उनका जन्म इंग्लैंड के नॉटिंघम प्रांत में सन 1885 में हुआ। इस समय नॉटिंघम इंग्लैंड का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र था। पिछले 50 वर्षों में नॉटिंघम का भूदृश्य पूरी तरह से बदल गया था। खेत खलिहान धीरे धीरे सिमटने लगे थे। खानों से कोयला ले जाने के लिए रेल की पटरियों का जाल बिछ गया था। खादान के मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे तमाम मकान खड़े हो गए थे, लेकिन औद्योगीकरण की वजह से प्राकृतिक सुंदरता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लॉरेंस कहते हैं कि उनका गांव हमेशा उनके दिल का भूदृश्य बना रहा। ईस्टवुड गांव के आसपास के इलाके को वे कंट्री ऑफ माय हार्ट यानी मेरे दिल की ज़मीन कहते थे, और वहाँ के खुले मैदानों की सैर करने में और खेतों को निहारने में उन्हें हमेशा आनंद आता था। डीएच लॉरेंस इंग्लैंड के पहले लेखक थे जिन्होंने श्रमिक सामाजिक वर्ग यानी वर्किंग क्लास के पात्रों को अपनी किताबों में प्रमुख भूमिका दी। उनके पहले सामान्य मध्यम वर्ग के किरदारों को तो साहित्य में स्थान मिल चुका था, जैसे कि सरकारी दफ्तरों के निचले दर्जे के मुलाजिम या कम तनख्वाह पर काम करने वाले अध्यापक और निजी ट्यूटर, लेकिन शारीरिक श्रम से रोजगार कमाने वाले अकुशल मजदूर, कारीगर और दस्तकार इंग्लैंड के साहित्य में अनजान और बेआवाज थे। मजदूर को साहित्यिक रूप से उभारने की शुरुआत फ्रांस में होती है, जो जैसा कि आप जानते हैं यूरोप का एक देश है। संयोगवश जिस साल डीएच लॉरेंस का जन्म होता है यानी 1885, उसी साल में प्रकाशित एक पुस्तक का वस्तु विशेष है कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति का सशक्त वर्णन। ये पुस्तक थी फ्रांस के नामी लेखक एमील जोला की द जर्मिनल। इस पुस्तक, इस उपन्यास द जर्मिनल को एमील जोला का सबसे उम्दा लेखन माना जाता है। जर्मिनल में दर्शाए हुए कोयले की खान के भयानक वर्णन ने पूरे यूरोप के शहरी पाठकों को झकझोर दिया था, लेकिन एक आलोचक का मानना है कि डीएच लॉरेंस के उपन्यास द रेनबो में एमील जोला के भयावह वर्णन से कई गुना जोर है। यह आलोचक कहते हैं, जोलाज नॉवेल्स आर चाइल्ड्स फूड कंपेयर्ड
with the strong meat contained in an English story that I have just read, The Rainbow. यानी The Rainbow पढ़ने के बाद इस आलोचक को ऐसा लगा कि जोला के उपन्यास तो एकदम शिशुओं के नर्म आहार जैसे हैं, मुलायम खाने जैसे हैं, जबकि डीएच लॉरेंस की पुस्तक द रेनबो, उनका उपन्यास द रेनबो, ठोस मांस जैसा है, यानी उसमें ज़्यादा दम है। डीएच लॉरेंस के उपन्यासों में मजदूरों और कारीगरों के हालातों, मुश्किलों और उनके साथ घटित नाइंसाफियों का इतना सजीव और प्रभावशाली चित्रण इसलिए मिलता है क्योंकि इन हालातों को उन्होंने खुद जिया था। डीएच लॉरेंस के पिता बहुत कम उम्र से कोयले की खान के मजदूर लग गए थे। उनके पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन माँ का परिप्रेक्ष्य एकदम उल्टा था। वे बहुत पढ़े लिखे परिवार से थी। उन्हें खुद पढ़ने का बहुत शौक था, थोड़ी बहुत कविता भी लिखती थी और उन्होंने अध्यापन का काम किया था। जैसे कि प्रेम प्रसंगों में अक्सर होता है, इतने विपरीत व्यक्तित्व होते हुए भी इन दोनों में प्यार हुआ और स्वेच्छा से दोनों ने विवाह किया। 5 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें चौथे नंबर पे डीएच लॉरेंस थे। लॉरेंस परिवार में माँ और पिता में अच्छा सामंजस्य नहीं था। पिता कई एक बार शराब के नशे में घर लौटते और दोनों में तू-तू मैं-मैं होती। वे माँ को घर चलाने के लिए कम पैसे देते थे, पैसे शराब पर खर्च कर देते थे। इससे माँ हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि वे अपने घर की साज सज्जा ऐसा करना चाहती थी जिससे घर मजदूर का होते हुए भी पढ़े लिखे परिवार का लगे। माता पिता का रिश्ता बिगड़ता गया और दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती गई। डीएच लॉरेंस को अपनी माँ से अत्यधिक लगाव था, लेकिन अपने पिता की यादें भी खुशनुमा थी। पिता को याद करते हुए वे कहते हैं, वे मज़े से दरी पर बैठकर गाना गाते हुए मरम्मत का काम करने बैठ जाते थे। बुलंद आवाज में गाते गाते जूते, बूट, केतली, भगोने कुछ भी ठीक करते थे। उन्हें मैदानों में पैदल सैर करना और जानवर बहुत पसंद थे। डीएच लॉरेंस को यदि माँ से साहित्यिक कला विरासत में मिली तो पिता के ये दो शौक भी मिले। माँ बहुत दृढ़ निश्चय वाली थी। उन्होंने ठान ली थी कि उनका कोई भी बेटा मजदूर नहीं बनेगा। इससे हम ये ना समझें कि मजदूरी का काम करने में कोई खराबी है या उसे हमें नीची नज़र से देखना चाहिए। मजदूर बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है समाज में, और ये बात डीएच लॉरेंस भी समझते थे और ये बात उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने लेखन में भी उभारी। लेकिन खैर, उनकी माँ का सोचना अलग था। वो नहीं चाहती थी कि उनका कोई भी बेटा मजदूर बने। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी। परिणाम स्वरूप बड़े बेटे टेक्सटाइल इंजीनियर बने, मजले लंदन की एक जहाज कंपनी में क्लर्क नियुक्त हुए, और सबसे छोटे हैं हमारे कवि डीएच लॉरेंस। उनका तो क्या कहा जाए, अंग्रेजी भाषा के साहित्य जगत में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में कर दिया। आज के दिन में कोई भी अंग्रेजी साहित्य का कोर्स नहीं होगा जिसमें डीएच लॉरेंस के उपन्यास या कविताएं ना पढ़ाई जाती हों। कोयले की खादान में काम करने वाले मजदूर का बेटा अंग्रेजी साहित्य का अमर लेखक बन निकला। आगे इस लेसन में हम इस शख्सियत के लेखन का जायका लेंगे। ये कविता लॉरेंस के संकलन बर्ड्स, बीस्ट्स एंड फ्लावर्स, यानी पक्षी, पशु और पुष्प से ली गई है। यह संकलन 1923 में प्रकाशित हुआ। इस समय लॉरेंस लेखन जगत में अच्छी खासी पहचान बना चुके थे। उनके 7 उपन्यास, 6 पद्य संकलन और 4 कहानी संग्रह और अनेक आलोचना के लेख प्रकाशित हो चुके थे। इनमें से एक उपन्यास सन्स एंड लवर्स को उनका सर्वश्रेष्ठ लेखन माना जाता है। यह उपन्यास इंग्लैंड और अमेरिका दोनों जगह बहुत लोकप्रिय हुआ। 1918 के बाद उन्होंने अपना देश इंग्लैंड छोड़ दिया। इसे एक प्रकार का स्वेच्छापूर्ण देश निकाला
यानी वॉलंटरी एग्जाइल कहा जाता है। देश छोड़ने का कारण था पहला विश्व युद्ध, जिसमें इंग्लैंड और जर्मनी विरोधी पक्ष थे। युद्ध शुरू होने से पहले लॉरेंस ने एक जर्मन युवती फ्रीडा से विवाह कर लिया था। जाहिर सी बात है कि फ्रीडा को जर्मनी से मित्रों और परिवारजनों के पत्र आते थे। लॉरेंस और फ्रीडा के पड़ोसी इन पत्रों को शक की नज़र से देखते थे। उनका शक था कि फ्रीडा अपने देश जर्मनी के लिए जासूसी कर रही हैं। युद्ध के तीसरे वर्ष में लॉरेंस दंपत्ति का संकट चरम बिंदु पर पहुंच गया। लॉरेंस और उनकी पत्नी का घर समुद्र तट पर था। इस तट के समीप कई बार जर्मन सबमरीन यानी पनडुब्बियां देखी गई थीं। एक रात लॉरेंस के घर की एक खिड़की से रोशनी चमकती हुई देखी गई। उनके पड़ोसियों को अकारण शक हुआ कि रोशनी एक गुप्त संकेत है, जिसके द्वारा दुश्मन सेना को मदद के लिए संकेत दिया जा रहा है। पुलिस ने घर की तलाशी ली, हालांकि कोई सबूत नहीं मिला। लॉरेंस और उनकी पत्नी को समुद्र तट से हट जाने का आदेश दिया गया। लॉरेंस का मन खट्टा हो गया कि बिना किसी सबूत के उन पर शक किया गया और उनको अपना घर बदलने का आदेश दिया गया। साल भर के अंदर फ्रीडा के साथ वे देश छोड़कर इटली चले गए और वहां से विश्व भ्रमण पर निकल गए। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया होते हुए समुद्र के रास्ते से वे यूएसए पहुंचे। वहां से मेक्सिको गए और जीवन के अंतिम वर्षों में फ्रांस में रहे। इन सब जगहों के अनुभव को उपन्यासों में उतारा। बर्ड्स, बीस्ट एंड फ्लावर्स इस संकलन के शीर्षक से ही हम जान सकते हैं कि इन कविताओं का प्रकृति से गहरा रिश्ता है। ये खासकर इटली और अमेरिका के न्यू मेक्सिको प्रांत की प्रकृति से प्रभावित हैं। इस संकलन की शुरुआती कविताओं की रचना करते समय लॉरेंस इटली के फ्लोरेंस प्रांत में रहते थे और जो कविता हम पढ़ेंगे वो इसी दौरान लिखी गई है। इस मेक्सिको की प्राकृतिक सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन जब हम कविता पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लॉरेंस खाली प्राकृतिक सुंदरता का विवरण नहीं दे रहे हैं। प्रकृति के कई पहलुओं का इस्तेमाल वो इस प्रकार करते हैं कि मानवीय जीवन के कुछ गूढ़ सत्य वे हमारे सामने रखें। हमारी साइकोलॉजी के, हमारे सोचने के तरीके को वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। उसमें क्या कमियां हैं, उसे हमें किस प्रकार से समझना चाहिए, क्या उसमें हमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं।